वेलकम बैक टू माई चैनल रेसिरो 522 व्लॉग। कैसे हैं सब? खूब सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, हम रेडी हो चुके हैं। मॉर्निंग का, सुबह का 9:30 बज रहा है और कश्मीर का हाल मैं आपको दिखाती हूँ। वेट गाइज, यहाँ का मौसम बहुत बेकार है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ठंड भी। मम्मी तो अपना इंतज़ाम करके आई थी, हम नहीं करके आए थे, लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं। ये देखो आप, यहाँ पे सब ट्रैवल, और यहाँ के डॉगीज ना काफ़ी हेल्थी हैं, खा पी के मोटे तगड़े हो चुके हैं, और हम लोग जा रहे चाय पीने के लिए। रेड टोस्ट आ चुका विद चाय है अन्नपूर्णा होटल, जो कि प्योर वेज है और हम वेज ही खाते हैं, आपको पता है। सो गाइस, यहाँ हम पहुँच चुके थे डाल लेक पे। तो डाल लेक का व्यू और डाल लेक के ही सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो एंजॉय। हेलो बरो, मम्मी का शूट चल रहा है कश्मीरी वाले लुक में, फोटो शूट। पता नहीं पूछ, ये लो मटका पकड़ो। क्या क्या झूठ बोल रहे हैं भैया? यार ठंडी हवा है आज। गाइज, यहाँ पे जो आप फ्रेंच फ्राइज़ देख रहे हो, ट्राई एंड टेस्ट, ये चलता फिरता बोर्ड है पानी में, रिजॉर्ट वो क्या कहते हैं, कैफ़े, चलता फिरता कैफ़े, तो आप देखो। बैठे बैठे कर लो बेटा बैलेंस में। हेलो, हेलो, हाथ डालो पानी में, बोलो। सो गाइस, देखो भाई, डाल लेक देख लो, डाल लेक मम्मी देखो। मम्मी बहुत आराम आराम से जा रही हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है। गुड व्यू, आयुष तुम इधर बैठो। मम्मी हेलो बोलो। हेलो। सो गाइस, देखो देखो देखो, कितने सारे लोग नाव में बैठ के अच्छे अच्छे से फील कर रहे हैं और डाल लेक का मज़ा ले रहे हैं, डाल लेक। और ये हमारे बच्चे फोटो शूट में इंटरेस्टेड ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ, तो मैंने तो वीडियो बना ली भाई। और मम्मी ने भी फोटो शूट करवा ही लिया। मम्मी कहाँ? ये देख मम्मी, करवा ही लिया फोटो शूट मम्मी ने। जैसा कि हम लोग ने मीना बाजार में एंटर कर दिया है, हम लोग हैं मीना बाजार में, मीना आंटी के बाजार में। तो रुकवाओ, पूछो। मीना बाजार है और यहाँ पे मिलते हैं गर्म कपड़े, जैकेट वगैरह, सॉल वगैरह, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। गाइस, ये कश्मीर का खेती बाड़ी एरिया, मतलब खेती करनी पड़ती है। वो देखो, दिख तो रहा है। हाँ, अभी को दिखाती हूँ मैं। पसंद नहीं आया कुछ? नहीं नहीं आया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, देख नहीं लिया कुछ मार के ना। हाँ, जो चीज़ यहाँ दिखा रहे हो वहाँ भी है, और रेट भी यहाँ ज्यादा है। हा? रेट ज्यादा है, रेट ज्यादा है। आएगा मीना बाजार, देता मीना बाजार। अच्छा, क्या कर रहे हो बेटा ये गंदा काम? सो गाइस, ये है ड्राई फ्रूट मार्केट का, केसर, बादाम, काजू, सब कुछ मिलता है, सैफ्रॉन वगैरह सब कुछ। सो गाइस, ये है नैना बाज़ार, और नैना मुझे कहीं दिख नहीं रहे। तो गाइस, ये नैना बाज़ार है और यहाँ की साड़ियाँ हम देखने जा रहे हैं, तो चलो आपको भी दिखाते हैं। ये वाला आपको 1620% 1280। तो
कश्मीर हैंडलूम है वहाँ पर मिलता हर चीज मिलता वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर रेंट देना पड़ता है, मतलब उत्सव में जाएगा 250 रुपये स्क्वायर फुट का देना पड़ता है। हाँ बस इसके ऊपर आप ऐसे हाथ भी रख सकते हैं, ऐसे अंदर भी रख सकते हैं, इसमें कलर आपको और भी ये कलर नहीं अच्छा कलर आपको येलो थोड़ा सा हट के कलर लगेगा, ये अच्छा लग रहा है। शीशे में देखो आप कलर और है क्या, कितना खुश है ये लड़का गाइस, कितना खुश है, देखो हम लोगों ने इतना उलझवा दिया। ओरिजिनल जमीन डूब जाता है और इसी जमीन के ऊपर खेती होती है। अच्छा, बोलता है चलता फिरता जमीन। अच्छा अच्छा, वाह गाइस सुना आपने, चलता फिरता जमीन। और ये मार्केट भी तो है खाने पीने का, ओह माय गॉड गाइस, आज मैं तो जन्नत देख रही हूँ यहाँ पे। और हमने कुछ शॉपिंग भी कर ही ली ना, कहते 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 बोलो दियाली से ले जाते हैं। यहाँ पे सोल्जर्स दिख रहे हैं जो कि हमारी सेफ्टी करते हैं और चेकिंग भी करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। डाल लेक हमने घूमी, डाल लेक का चार्जेस बहुत ज़्यादा है, वो आप अपने हिसाब से भी देखना, क्योंकि ये कश्मीर है और कश्मीर एक बहुत महंगी जगह है, ये सोच समझ के आप आइएगा। कोई कमजोर है तो गाइस, ये है शंकराचार्य मंदिर का रास्ता, जिसमें कुछ 236 या पता नहीं कितनी इतनी सीढ़ियां हैं, बहुत ही कठिन रास्ता है। और ये वही मंदिर है जहां पे एक गाना शूट हुआ था, जय जय शिव शंकर। तो गाइस ये चिल्लाते हुए बोलो हर हर यही है शंकराचार्य का मंदिर, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो रिकॉर्ड हो गई। नहीं मम्मी स्मेल मार रहा है, चलो भोले बाबा। वो है अंकल का तो ये चल बारिश बहुत परेशान करे।
सारी कार पार्क हो गई थी, क्योंकि इसके आगे परमिशन नहीं है जाने की, मतलब मंदिर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बहुत रास्ता ख़राब है एक्चुअली, यहाँ मौसम बहुत ख़राब रहता है। सोच समझ के सारी इंतज़ाम के साथ आइए, मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं आइएगा। आप कल उसको बोल रहे थे ना, नंबर तो चाहिए ही आदमी की, एक वो भाई नंबर तो चाहिए, क्योंकि बाद में भी आदमी ध्यान रखता है यहाँ से कहते। लेकिन आपके लेफ्ट साइड में समझो आप बॉर्डर के किनारे, ये आपकी रेल लाइन है। हाँ वो बॉर्डर की लाइन वही है, डाल लेक का किनारा है और हम जा रहे थे यहाँ से। कौन सी पार्क गए थे हम लोग पहले? देखो गाइज, मुगल पार्क भी थी, शालीमार भी थी। तो हम शालीमार गए थे, मुगल को हमने टाटा बाय बाय किया था क्योंकि सब सेम ही लग रहा था। तो हम मुगल पार्क जा रहे थे, तो आप देख लेना। और यही मुगल के ऊपर जाते हैं, यही बस जाते हैं। हाँ ये बादल ही है, ऊपर ऊपर जाएंगे ना उसमें मिक्स हो जाएगा, ये सब बादल ही बन जाता है। ये चिनार का पेड़ है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कलर बदलता हर महीने। अच्छा। लौट के वापस आएंगे, इसमें मैं रोकूंगा। ये जो जहाँ बड़ी भीड़ थी ना, ये निषाद गार्डन है और वहाँ बड़े अच्छे वो बने हुए हैं। नहीं है नरेंद्र मोदी जी। सो गाइस, ये व्यू आप देख रहे हो सब डाल लेक का है। डाल लेक बहुत लंबी है और इसमें हमें कुछ 8 पॉइंट्स घुमाए थे शिकारा से। वो 8 पॉइंट्स के नाम तो मैं आपको नहीं बता पाई। जहाँ सिंगल का आवाज डबल, जहाँ डबल का आवाज शर्मा गार्डन की ओर। और इसलिए मैं आप सोच रही हूँ कि आपको व्यू जितना से जितना दिखा पाऊँ तो अच्छा लगता है ना, व्यू उतना अच्छा। और यहाँ के डॉगीज यार बहुत ज़्यादा मोटे हैं, अपने सिटी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और और इससे बड़ा कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अपने काम में चार चांद लगाएंगी जिनके आए थे ना आप। सो गाइस, यहाँ पहुँच चुके थे शालीमार गार्डन। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यू शालीमार गार्डन का है, तो आप देखो और बताओ कैसा लगा आपको। और हाँ, सबसे बड़ी किस्मत हमारी ख़राब थी, वो काफ़ी लोगों की ही ख़राब थी, तो मैं आपको बाद में बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस, ये कुछ पुरानी टाइप की इमारतें बनी थी पार्क के अंदर, जहाँ पे लोग नाम अपना लिख के आते हैं। वो हमारे लखनऊ में ही नहीं है, कश्मीर में भी है। आपने देखा ये था कौन सा गार्डन था? ये मुगल गार्डन नहीं, शालीमार गार्डन था। ये मुगल गार्डन वापसी में दिखाएंगे। तो गाइस, मैं
आप मुझसे मत पूछिए कि मैं कितनी थक गई हूँ, क्या मेरी हालत है, सब भूल जाइए और सिर्फ फोकस करिएगा व्लॉग देखने पे, रील्स देखने पे। और यहाँ कश्मीर में भी किसी ने मुझे पहचाना, वाह मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पैरों पे जाइए तो आप देखेंगे हील्स मेरे पास थी लेकिन मैंने उनको इग्नोर करके स्लीपर चप्पल वेयर किए हैं और कपड़े तो इतने गंदे कि क्या ही बोलूँ, कहेंगे कहाँ से आ गई लड़की गंवार कश्मीर में। पंछी घास चढ़ते हैं हमको लग रहा है, पंखी घास चढ़ते हैं और ये मम्मी। सो गाइस ऐसा कुछ खास मुझे नहीं नज़र आया इस गार्डन में, है ना मम्मी। सो गाइस यहाँ पे भी कपल्स आते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब पेड़ हमारे यहाँ भी है, ये थोड़ा अलग टाइप से निकला है और हमारे यहाँ नागिन टाइप से निकलता है। लेकिन जितना नहीं पालते उतनी ज्यादा ये पालतू जो होते हैं जो उनको। सो गाइस यहाँ से हम जा रहे थे ट्यूलिप गार्डन और किस्मत ही हमारी इतनी ज्यादा खराब थी कि भाई ट्यूलिप एक बहुत ही महंगा फूल है, मतलब बहुत ही अनोखा फूल है जो महीने में 25 दिन के लिए भी आता है। तो बस ये जरा सा सीन है, देख लो आप।